1979 में असम में ब्रह्मपुत्र में जबरदस्त बाढ़ आई। जोरहाट का जो इलाका है ना, वहाँ पर एक लड़का था जादव पयांग, 16 साल का लड़का। उसमें उसने देखा कि बाढ़ में हजारों हजारों सांप मरे पड़े। वो ताजुब हो गया कि ये क्या हो रहा है, दुनिया भर के जीव जंतु सब मरे पड़े हैं। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा तो बोला कि भाई अपने यहाँ बंजर जमीन है, यहाँ पे अपने लोगों ने कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं, और बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा बहा के ले जाती है, और हमने सब पेड़ काट डाले हैं। उस 16 साल के लड़के के मन में आया कि मुझे पेड़ लगाना है। वो हालत वो दिन था और आज का दिन है। उस लड़के ने क्या किया कि गया पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास और पूछा कि भाई आप कोई मेरी हेल्प कर सकते हो, तो उन्होंने बोला यहाँ बंजर जमीन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पर उस लड़के से आया नहीं गया, उस लड़के ने वो ट्राइबल जाति का था तो उसको एक आइडिया लगा कि भी सांपों के लिए बांस बहुत जरूरी है। तो पहली बार उसने 20 बांस के पेड़ लगाए और 50 और वहां पौधे लगवाए। धीरे धीरे वो 1979 में स्टार्ट किया, ये करता ही रहा। एक आप अंदाजा लगाए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल तक, 2009 तक किसी को मालूम नहीं हिंदुस्तान में एक आदमी क्या कर रहा है। वो आदमी 30 साल तक पेड़ ही पेड़ लगाता रहा, सुबह से शाम तक। उसकी रोजी रोटी उसके गाय वगैरह थी, उसके मिल्क से चल जाती थी, पर 30 साल तक। और कितना उतने आप दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिंगल मैन 1360 एकड़ का, यानी आपका न्यूयॉर्क का सेंट्रल लॉक देखो तो 375 हेक्टेयर का है, 1360 हेक्टेयर का अकेले ने बना दिया। और उस व्यक्ति को बात दुनिया में छिपी रह जाती। 2009 में जीतू कलिता करके एक लड़का, वो वाइल्ड फोटोग्राफर था, वो उधर से आया। उसने देखा यार एक साइड भी में कहां से ये जंगल आ गया। वो अंदर गया तब उसने देखा कि एक आदमी ये काम कर रहा है, तो उसने वहां लोकल न्यूज़पेपर्स में वगैरह, जब ये स्टोरी बाहर आई तो 2012 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया, और वहां फिर इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो अपने प्रेसिडेंट थे, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने उसकी 2.5 लाख रुपए से फाइनेंशियल हेल्प की और बहुत बड़ा अवार्ड दिया, और वही व्यक्ति को 2015 में पद्मश्री दिया गया। आप मानेंगे आज वो उनकी स्टोरी को अमेरिका की इकोलॉजिकल हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और आज अपने पर्यावरण की बात कर रहे हैं, अपने खुद को मालूम नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट मैन इंडिया में है, और वो व्यक्ति अकेला 1360 हेक्टेयर में लाखों लाखों पेड़ लगा चुका है। और वहां आज की डेट में हिरण, वहां पे टाइगर, बंगाल टाइगर, सौंप, एलिफेंट आते हैं जो हर साल वहां 6 महीने के लिए रहने आते हैं और बच्चे वहां पैदा होते हैं। उसके बाद सिंगल हेयर वाला रेनोज और हजारों तरह के सांप और पंछी, तो दुनिया के हिंदुस्तान के 80% पंछी वहां पे आते हैं। तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो क्या कर सकता है, ये अपने को देखने को मिलता है। इसलिए अकेले का भी हौसला कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और अच्छा काम है ना वो करते रहना चाहिए दुनिया के लिए। उस आदमी की जो मिसाल है ना, ऐसा कोई पृथ्वी पे आज की डेट में 750 करोड़ लोग में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो जादू इनकी कोई मुकाबला कर सके। सिंगल आदमी ने लाखों पेड़ लगवा दिए। हैट्स ऑफ टू यू।